अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ दही बैंगन की रेसिपी। तो चलिए जानते हैं कैसे बनता है दही बैंगन और क्या क्या है इसकी इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स, दही बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर एकदम छोटे छोटे बैंगन मैंने ले लिए हैं, और दही बैंगन के लिए छोटे बैंगन ही लेने चाहिए क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं। और इसको मैंने बीच से ऐसे कट कर लिया है और ऊपर का जो पार्ट है वो मैंने अच्छे से छील दिया है ताकि ये ऐसे ही रहे। तो ये ऐसे जब बनाऊँगी तो मैं ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, खड़ा खड़ा रहता है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया है फ्रेंड्स, उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें डालूँगी मैं सरसों ऑयल 2 बड़े चम्मच। और जब सरसों ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसी टाइम मैं डालूंगी वो सारे बैंगन जो मैंने कट करके रखे हैं। तो पहले मुझे बैंगन को फ्राई करना है थोड़ा सा, ताकि उसका ऊपर का लेयर थोड़ा सा अच्छे से पक जाए और वो फ्राई हो जाए। तो अभी मैं सारे बैंगन को पहले फ्राई कर लेती हूँ कम से कम 3 से 4 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, बैंगन को फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं सारे बैंगन को निकाल कर एक प्लेट में रख लूँगी। और मैंने सभी बैंगन में ना ऐसे 4 कट्स लगाए हैं फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है कि हम चेक भी कर लेते हैं कि बैंगन ख़राब तो नहीं है और मसाले जो है अच्छे से बैंगन के अंदर चले ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस कढ़ाई में मैंने बैंगन फ्राई किया था उसी में मैंने सरसों ऑयल ले लिया है 2 चम्मच भरकर। सरसों ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया मैंने और उसमें डाला है 1 चुटकी मैंने मेथी दाना। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज पेस्ट। तो मैंने 2 प्याज का एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है फ्रेंड्स और उसको मैं डालूंगी। आप चाहे तो प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे एकदम फाइन वाला मसाला चाहिए पेस्ट, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ जो है पीसे हुए प्याज यूज़ किए हैं। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट दोनों को एक साथ में डालकर फ्रेंड्स और अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि दोनों का कच्चापन चला जाए और ये मसाला अच्छे से भुन जाए। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया था और यहाँ दोनों मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं सारे पाउडर वाले मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम भुना हुआ जीरा। तो और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसे फिर से 2 मिनट तक कम से कम भूनूंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा सूख गए हैं तो वो लगने लगेंगे, इसलिए बस थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड करूँगी। और मसालों को कम से कम फ्रेंड्स मैं 2 मिनट तक इसे अच्छे से भूनूंगी ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ऑयल अच्छे से दिखने लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 मिनट हो गए थे और देखिए मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है, कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो यहाँ पर मसाला भुन चुका है फ्रेंड्स, अब मुझे इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने बैंगन फ्राई करके रखे थे उसे मैं डाल दूँगी मसाले में फ्रेंड्स, और अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले बैंगन में अच्छे से लग जाएँ। और इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक मैं ऐसे ही मसालों के साथ पकाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस पे लगा दूंगी ढक्कन और इसको कम से कम 2 मिनट तक मैं पकाऊंगी ताकि बैंगन से थोड़ा बहुत जो पानी निकलने वाला है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे और देखिए बैंगन बहुत अच्छे से पक रहा है बिल्कुल मसालों के साथ। और इसमें मसाले में थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी,
क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा डालना नहीं है मुझे, अभी दही डालना है, इसीलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, सिर्फ इतना पानी डालूँगी कि मसाले थोड़े से गीले हो जाए और उसके साथ फिर बैंगन अच्छे से पक सके। तो मैं थोड़ा सा बस पानी इसमें ऐड करके और मसालों को अच्छे से मिलाऊंगी बैंगन में, और इसको फिर से कम 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर साबुत बैंगन है इसीलिए थोड़ा गलने में टाइम लगता है, और मैंने बैंगन को पहले ही फ्राई कर दिया था तो उससे भी हल्का सा ये गल गया है। अभी मैं कुछ देर तक इसे पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे और बैंगन बहुत अच्छा गल गया है। बस यही टाइम है कि मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी खट्टी दही, और दही डाल के बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है और ज़्यादा चलाना भी नहीं होता है, इसलिए मैं दही डालकर बस इसे 2-3 बार अच्छे से चलाऊंगी, और ज़्यादा चलाऊंगी तो बैंगन जो है वो टूट जाएंगे, इसलिए मैं बहुत आहिस्ते से इसे चला रही हूँ फ्रेंड्स कि बैंगन टूटे भी नहीं और दही अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में। तो यहाँ पर कम से कम 1.5 मिनट तक मैं दही डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे बैंगन को पकाऊंगी और उसके बाद फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और दही बैंगन बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये दही बैंगन की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई किया है फ्रेंड्स और आपको पसंद आई है तो अपने वैल्युएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी ना भूले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर।